तो हेलो दोस्तों, आई एम कृष्णा एस के एंड टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के लिए एक बहुत ही प्यारे से फीचर्स के बारे में, जो कि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यार, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक सॉफ्टवेयर की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली वहाँ पे जाना है और उसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है कुछ इस तरीके का आपको आएगा ऑप्शंस, आपको डायरेक्टली यहाँ पे इसे ऑन करना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, सेट वॉल्यूम की पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन, तो जी हाँ दोस्तों, चार बार बटन को जो दबाना है, वो आपको चेक करना है कि आपको क्या करना है कि आप चाहें तो दो बार। मैं चलिए मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे सेट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे करना है दो बार ऊपर वाला दबाना है, ठीक है, अब दो बार नीचे वाला दबाना है। ठीक है, ये हो गया एक कोड हमारा। जी हाँ, 1% का कोड हो गया कि हमने दो बार, वो आपको याद रखना है कि क्या करना है। आपको फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से आपको करना है री एंटर योर पैटर्न, तो फिर से हमें वही डालना है, दो बार ऊपर फिर से दो बार नीचे। आप अपनी मर्जी मुताबिक कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ से कंफर्म कर देंगे, सिलेक्ट क्वेश्चंस पे, यहाँ पे आपको कुछ भी करना है, सिलेक्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट फेवरेट योर नाम, यहाँ पे आप अपने यहाँ पे व्हाट इज नाम पे कर सकते हो, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट पेट्स, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे चलिए मैं अपना ही नाम ऐसे कुछ भी डाल देता हूँ उल्टा सीधा। चलिए सॉरी, यहाँ पे ठीक है, ये परमिशंस हो गया तो वहाँ पे जो एक्सेप्ट हो गया था, नाम डालती ऑटोमेटिक आगे पहुंच गई। यहाँ से इसको अभी परमिशन दे देनी है, डन। ठीक है, नाम डाल के आगे बढ़ जाना और यहाँ से कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपका ऊपर आ जाता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सी मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ठीक से लगे जरा है। ओ चलिए ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उस चीज़ को लॉक करना है जो चीज़ आपको छुपानी है। जैसे कि यार मुझे मान लीजिए मुझे जो है फ़ोन की गैलरी जो है उसको छुपाना है, मतलब कि छुपाना नहीं है, लॉक करना। अब ये जो है हाइड नहीं हो रही, लॉक हो रही, आपको क्या हो रहा है ये आपको बाद में पता चलेगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसलिए मैंने इसको जो है लॉक कर दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको लॉक कर दिया, जैसे इसको लॉक कर दिया एंड मैंने यहाँ पे कैमरे को लॉक कर दिया यार। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जो है बैक हो जाना है। अब आप इसे ओपन करोगे तो यार एक टाइप का वो आएगा, नेक्स्ट ऐसे क्लिक करोगे अपना पैटर्न डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि हमने बताया, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट करोगे पैटर्न डालना, जैसे कि मैंने बताया, क्लियर करता हूँ, ये था मेरा कोड देन, और ये री एंटर करना पड़ेगा क्योंकि मुझसे थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गई थी और यहाँ से मैंने जो है नाम सेट कर दिया था, डन। ये फिर फ्रेश हो गया, ये आ गया था कुछ इस तरीके का, ये हमारा डन हो गया है। हमने लॉक भी कर दिए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन को भी लॉक कर दिया। अब यार मैंने लॉक किया था एक फाइल मैनेजर को, तो देखिए यार मैं जैसे ही फाइल मैनेजर को लॉक करता हूँ कुछ इस तरीके का ब्लैंक हो जाता है। तो यार कोई भी हमारे इस फोटो को अगर ओपन करने की कोशिश करेगा, ये ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्टली बाहर आ सकता है लेकिन ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए ओपन नहीं कर पाएगा, क्यों, कितना भी कोशिश कर ले, देखिए रिसेंट में जरूर दिखाएगा लेकिन इसे ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ अब आपको इसे ओपन कैसे करना है। यहाँ पे देखिए ना तो कोई ऑप्शन आता है लॉक डालने का कि यहाँ पे कोई पैटर्न डाले लॉक खोले, तो इसे बोलेगा कि यार इसमें कोई मतलब कि कोई बग आ गया है जिसके कारण ये ओपन नहीं हो रहा, तो यार वो फोन साइड रख देगा या फिर किसी को समझ ही नहीं आएगा। देखिए मैंने कैमरे पे भी लगाया तो कैमरा भी ओपन नहीं होगा, ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। अब डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है और एक बार अपना जो कोड आपने सेट किया था वही कोड डाल देना है, हमारी जो जो आईडी है वो ऑटोमेटिक खुल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, और काफ़ी अच्छे जो है आपकी जो भी लॉक किया था वो ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।